कल अपन ने इस गाथा 306 और 7 की उत्थानिका पढ़ी थी और उत्थानिका में स्वयं उन्होंने गाथाएं प्रस्तुत की हैं और लिख दिया उक्तम च व्यवहाराचार्य सूत्रे, तो किसी किताब का नाम नहीं दिया। गोमकसार में कहा है कि भलावल में कहा है कि इसमें कहा है, कुछ का नाम है। अब व्यवहार सूत्र है बस। अब व्यवहार का निरूपण करने वाले जो सूत्र ग्रंथ हैं, सूत्र माने संक्षिप्त कथन करने वाले जो ग्रंथ हैं, उनमें ये बात कही है, सारा दिन आगम खोजो, है ना। क्योंकि उनके पास कोई ये साधन ही नहीं था ऐसा, कैसे बताते आपको। और ये गाथाएं जो बिल्कुल जो समय सार में गाथाएं हैं उनसे एकदम उल्टी हैं। यदि समय सार जिनके हाथ में है तो देखें नीचे ही ऊपर दोनों गाथाएं हैं, है ना। ये समय सार में जो 307वीं गाथा है वो वहाँ ऊपर है, है ना। अपरिकमणम अपरिशरणम, है ना, अपरिहारो अधारणा चैव, है ना, अनिवृत्ति अनिंदा अगरहा सूर्य बस अमय कुंभो, उसमें है विश्वकुंभो और नीचे है अमय कुंभो। और ऐसी ऊपर वाली गाथा में भी है कि परिकमणम परिशरणम परिहारो धारणा निवृत्ति है निंदा ग्रहा सोई अठ गहो अमय कुंभ। ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ हैं। देखो बाकी तो 8 चीजें हैं। 8 क्या, 16 चीजें हैं, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण ऐसे, है ना। तो 16 चीजें हैं और उनकी परिभाषा अपन को आनी चाहिए। जो अपन ने आपके पास में एक किताब है इसमें दी गई हैं, इसमें भी होंगी। 184 पेज पे हैं, हाँ उस पर देख लेना। अभी अभी मूल मुद्दे की बात तो ये है कि वहाँ व्यवहार में जिसे अमृत कुंभ कह रहे हैं निश्चय में उसे विश्वकुंभ कह रहे हैं। खैर ये तो चलो, एक दफे हमको थोड़ी आदत पड़ गई है ना कि व्यवहार का निश्चय निषेध करता है, लेकिन यहाँ उल्टा भी है कि निश्चय में जिसे विश्वकुंभ कह रहे हैं व्यवहार में उसे अमृत कुंभ कह रहे हैं, और जिसे निश्चय में अमृत कुंभ कह रहे हैं उसे व्यवहार में विश्वकुंभ कह रहे हैं। दोनों तरफ से है। अब इस समस्या का समाधान अपने आप अपने हो जाए, अपने कर लें, तो आगे का सारा प्रकरण फिर एकदम सरल और सहज है। कभी कभी तो ये लगता है कि भाई वही वही बात तो हम कितनी दफ़े दोहराएंगे। मुझे रूटन करने में ऐसा लगता है कि आगे कलशों में भी वही वही वही, और बहुत कलश लगा दिए क्योंकि अमृत का तो मन लग जाता है ना ऐसी जगह में। तो अमृत कुंभ और विश्वकुंभ की बात समझ लो, बिल्कुल अपनी शुद्ध सरल हिंदी भाषा में, कि माफ़ी मांगना अच्छी बात है कि बुरी बात है। क्या माफ़ी मांगना अच्छी बात है कि बुरी बात? तो व्यवहार कहता है कि अच्छी बात है भैया, गलती हो गई तो माफ़ी मांग लेना चाहिए, हम झगड़ा निपट जाता है। और जब कोई माफ़ी मांगता है तो भले ही वो अकड़े जिससे माफ़ी मांगी जा रही है, लेकिन सारा जगत तो ये कहता है कि वो तो सज्जन आदमी है, उसने तो माफ़ी मांग ली, कि साहब गलती थी तो मांगनी पड़ेगी ना। अरे साहब जगत में ऐसे भी बहुत लोग हैं कि गलती पे गलती करते जाते हैं और माफ़ी नहीं मांगते हैं। अब उनकी दृष्टि से देखो ना, है ना, उनकी दृष्टि से देखो कि उसने मांग तो ली। और कई लोग तो ऐसा कहते हैं गलती थोड़ी उसने की थी, अब माफ़ी मांगने से झगड़ा निपटता है तो निपटाओ ना। मेरे जरा से इस मुद्दे पर कि मैंने गलती नहीं की है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, समाज के दो टुकड़े हो जाए, अच्छी बात थोड़ी है। उसने तो गलती नहीं किए बिना ही माफ़ी मांग ली,
एक व्यवहार का बहुत बड़ा पक्ष ऐसा दुनिया में लोक में चलता है। अभी निश्चय वाले क्या कहते हैं कि माफी मांगना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा काम करना ही क्यों कि जिससे माफी मांगनी पड़े। माफी मांगना इस बात का प्रतीक है कि उसने अपराध किया है, क्या इस बात का प्रतीक है उसने अपराध किया है, इसलिए भाई साहब माफी मांगना अच्छी बात नहीं है और नहीं मांगना अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं मांगना वो पहले नहीं मांगने से अलग है, ये सब आएगी इसमें बात। वो तो इन दोनों को परस्पर विरुद्ध समझ रहा, मांगना और नहीं मांगना, मांगना और नहीं मांगना। वो कहते हैं कि ये तीसरा जो नहीं मांगना है, ये पहले दूसरे वाले मांगने और नहीं मांगने से ये तीसरा है, पहले नाम उसका नहीं मांगना है, लेकिन उसका असली अर्थ तो नहीं करना है अपराध। इतनी इतनी सी बात है इसमें पूरे प्रकरण में, जो मैं आज सोच रहा था कि शायद ये शिविर इसमें ही खत्म हो जाएगा। यद्यपि मैं जयपुर से अगली जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार की भी किताबें लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगने की बात है नहीं, लेकिन वो कलश इतने मार्मिक हैं, हृदय को इतने भेदते हैं कि एक दफे उन्हें पढ़ेंगे तो अपन को आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। और इसीलिए आपको रोज ही ना पढ़वाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि खुद तो पढ़ते नहीं हैं, है? अरे भाई हम दिन भर पढ़ते हैं, तुमको तो 5 मिनट पढ़वाते हैं, है? दिन भर वो विषय हमारे दिमाग में घूमता है, ख्याल में ना। अभी यार आप पढ़ रहे थे ना, इत्रा अप्रतिकर्मण में विष प्रणीतम, है ना, जहाँ पर प्रतिक्रमण को ही विष कहा है तो वहाँ अप्रतिक्रमण अमृतम कुटा स्याद, अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो जाएगा। इत्रा अप्रतिकर्मण में विष प्रणीतम तत्रा प्रतिकर्मणे अमृतम कुटस्यात, है ना, कल उसका हिंदी पढ़ रहे थे आप रस्ते में आते आते, मैं सुन रहा था उसको, क्या है पढ़ो। अरे जहाँ विष जहर कहा हो, अमृत कैसे कहे वहाँ अप्रतिक्रमण को, वो कहते हैं जहाँ प्रतिक्रमण को भी जहर कहा हो तो वहाँ माफी नहीं, अपराध करके माफी नहीं मांगने को अमृत कैसे कह सकते हैं। कि कहा है ना कि माफ अपराध करके माफी नहीं मांगने वाला नहीं है, ये नाम अलग उसका प्रतिक्रमण है, समझ गए ना, ये तो अपराध नहीं करना ऐसा अर्थ वाला प्रतिक्रमण है, नाम दोनों का एक है। आचार्य कहते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि हम जब कोई बात कहते हैं तो इसे उसके ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, अधोधा नीचे नीचे क्यों जाते हैं लौट के, कि माफी नहीं मांगना तो इससे हम कहते नहीं मांगना माफी, तो आगे ऊपर जाना माने अपराध नहीं करना और नीचे जाना माने अपराध करके भी माफी नहीं मांगना। चंदन भाई इसलिए बहुत लोग कहते थे कि जहाँ नीम की निबोड़ी खाने को मना किया गया हो वहाँ कालकूट जहर खाने के लिए कौन कहेगा, कहते थे नीम की निबोड़ी का उदाहरण देते थे। एक कम से कम 50 वर्ष पुराने प्रवचनों की बात कह रहा हूँ मैं आपके सामने, देखो पहले अपन वही पढ़ने के अप्रतिक्रमण के साथ में जो 8 चीजें हैं वे क्या हैं,
प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण जैसी ही हैं क्या, वे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उनमें। इसलिए आचार्य ने मैंने 8 गिना दी और जितनी भी वर्जिश की है, व्यायाम की है, वो सब प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण पर ही की है। पेज नंबर 184 निकालो ना, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, किए गए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है, सम्यक्तादि गुणों में प्रेरणा करना या प्रवृत्त होना प्रतिसरण है। प्रति तो हरेक में ही लग रहा है ना, क्रमण शरण हरण फिर धारणा, 3 है ना, प्रतिक्रमण प्रतिसरण प्रतिहरण है ना। तो दोषों को किया है और फिर उसको हमने बोलते हैं कि निराकरण करना, इसमें प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण माने हैं लौटना। आप जानते हैं क्रम धातु गम धातु के अर्थ में है, गच्छति गम गच्छति है ना, गच्छति ऐसे क्रमति माने जाता है। फिर अभी आप जानते हैं धातुओं के अंत में और आरंभ में प्रत्यय लगाए जाते हैं, अंत में जो लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय और आरंभ में जो लगते हैं उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। शब्दों के भी उपसर्ग होते हैं क्या, जैसे देखिए अब कृम धातु है तो कृम धातु में आ लगाया तो अक्रम हो गया ना, अक्रम गम गच्छ तो आ लगाया तो आगच्छति, फिर अब लगाया तो अवगच्छति, फिर प्रति और आ लगाया तो प्रत्यागच्छति, ऐसे अर्थ हो जाते हैं ना। तो ये जो शुरू में लगाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग और अंत में लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यति तौ ता अंति है ना, भवती भवता भवंती, ऐसा लगते कि नहीं लगते। अंत में लगते, अंत में लगाने से अर्थ नहीं बदलता है, एक वचन का बहुवचन हो जाता है, द्विवचन हो जाता है, समझे ना, पुरुष बदल जाता है, उत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष होता है, ऐसा बदलता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता। तो उसमें नियम है उपसर्गेण धात्वर्थो नयात अन्यत बलात अन्यत्र नियते, उपसर्गों के माध्यम से धातु के अर्थ को बलात् माने जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है। क्या उपसर्गेण धात्वर्थ हो सरल है ना, बलाद अन्यत्र नियते। तो अब देखिए गम धातु में गच्छ गिदाना है, अब आ लगाया तो आना हो गया ना, एकदम पलट गया अर्थ, धातु वही की वही और अर्थ पलट गया, जाना और दूसरे का अर्थ हो गया आना। अब देखिए उसमें अब लगा दिया तो जानना अर्थ हो गया, अब के क्षति माने जानता है। अब एक नहीं दो उपसर्ग लगाओ, प्रति और आ, तो प्रत्याग क्षति तो जाकर लौटना, आना में तो आना हो ही गया था, तो अब उसको कहेंगे एक तो जे आया और एक गया था और फिर लौटा, तो उसके बोलते प्रत्यागच्छति। ऐसे एक एक शब्द के प्रत्यय लगाने से कभी कभी सैकड़ों अर्थ, सैकड़ों शब्द बन जाते हैं। बना बता सकते हैं कोई, क्यों सोनू है कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कोई चिंता, थोड़ा सतर्क करता हूँ, यहाँ वहाँ उपयोग जाता है, इसलिए ये एक धातु होती है तो उसे कितना रूप बनते हैं, एक लकार दस लकार, समझ गया, फिर आत्मनिपति फिर परस्मैपति, उसे 190 बन जाते हैं, फिर 180 रूप बन जाते हैं, कितना रूप, और फिर उपसर्गों से लगाओ तो आगच्छति गच्छति, कितने अवसर लगा तो कितने, तो एक एक शब्द
मूल में एक शब्द है और रूप बनते हैं उसके हजार। अब कैसे हुए? ये तो होंगे तिगंत प्रत्यय, फिर सुगंत प्रत्यय, फिर तद्भेद, फिर कारक, फिर कितना कितना भेद हैं, फिर समस्त पद समास, तब जाके ये हजारों शब्द बनते हैं। मालूम वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक माने भाषा विज्ञान के वैज्ञानिकों ने ये खोज के निकाला है कि कालिदास इतना बड़ा कवि था तो उसे कितने शब्दों का ज्ञान था, माने उसने अपने साहित्य में कितने शब्दों को का प्रयोग किया है। तो 100 तक नहीं पहुंच पाए, 100 से कम शब्दों का ज्ञान था कालिदास को, वे 100 शब्दों में खेलते रहे। आप और हम जानते हैं क्या है, आप 10-20 शब्दों में जिंदगी निकाल देते हैं ये प्रत्यय और उपसर्ग लगा लगा करके। क्या यानी जो शब्द आप बोल रहे हैं उसकी मूल धातु निकालें तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं। नहीं जी, बड़ा पढ़ा भाषा विज्ञान के नहीं, फिर ज़्यादा ज्ञान करने की ज़रूरत क्या है? आपको उसमें प्रत्यय लगाना आता हो, उपसर्ग लगाना आता हो, तब उसमें तद्धित समास पद बनाना आता हो, तो आप एक शब्द के गम धातु का अर्थ जाना होता है, इतना ज्ञान हो तो आप हजार शब्द बना सकते हैं उससे। अब इतना आना जी वो शब्द कैसे बनता है, अब आपने हजार शब्द मान लिए, भी हजार अलग अलग है ही नहीं। धातु क्या होती है? धातु नहीं जानते कि पीतल लोहा सोना चांदी, ये तो उन कसेरे लोहे उन पीतल की दुकान वाले बर्तनों की दुकान वालों की धातुएं हैं। भाषा की धातुएं अलग होती हैं और आयुर्वेद की धातुएं अलग होती हैं। वहाँ भी शब्द धातु होती है कि नहीं होती है आयुर्वेद में है? उनकी धातुएं अलग, भाषा विज्ञान वालों की धातुएं अलग, और ये जो जिनके घड़े बनते हैं इनकी धातुएं अलग। तो धातु माने क्या? वो मूल शब्द कि जिसमें हम तिगंत प्रत्यय लगाएं, सुबंत प्रत्यय लगाएं, तद्धित प्रत्यय लगाएं और जो प्रयोग करें तो हजारों शब्द बन जाए, तो मूल शब्द को खोज के निकालना, उसका नाम है धातु। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे माथा चक्कर खाते हैं, इतने लोग पढ़ते हैं लक्षिदान को हम दी तो उसमें क्या पढ़ते हैं? है? तो धातु है कम, कोई क्या धातु है कम, और शब्द बना है अच्छी कमत है? कितने 17-18 सूत्र लगते हैं उसमें सूत्र माने में नियम के जीव नियमों से हिसाब से वो बनता है, और फिर हम उसकी भाषा में ने बहुत सरल भाषा बना ली है सब, कम कम ककम कोह चू चकम उसमें आ का प्रत्यय लग गया, बाबे सी का लोप हो गया, फलाना का ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से अची कमत शब्द बनता है, बनता है ना। हम जब व्याकरण पढ़ते थे 10-11 वर्ष की उम्र में लघु सिद्धांत कौन दी, अभी तुमको तो 16-17 वर्ष की उम्र में पढ़ना पड़ती है, हम तो 10-11-12 वर्ष की उम्र में पढ़े। तो वहाँ एक श्लोक बोला करते, हमारे गुरु जी सुना करते थे, अति कमत यो न जानाती, यो न जानाती बरवती बरवरी, अजर घा यो न जानाती तस्मयी कन्या न दीयते के तीन शब्दों का को बनाना जो नहीं जानता है ना, कौन कौन? अची कमत, बर्बरी और अजरघा, उसको लड़की नहीं देना चाहिए, वो शादी करने के काबिल नहीं है, ऐसा लिखा है। अची कमत यो न जानाती,
यो न जानाति बरबरी अजरघा यो न जानाति तस्मयी कन्या न दीयते। मैंने ऐसे 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 प्रयोग होते हैं मेरे कहने का मतलब। अभी आपको ज़्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं करना है, आप 100 शब्द भी आ गए और उनका के द्वारा जो जितने शब्द बनते हैं वे शब्द बनाना आ गए हैं, ख्याल में आई ना आपकी में। तो आप कालिदास से भी महाबड़ बड़े महाकवि बन सकते हैं, ख्याल में। हम सोचते कितने कितने शब्द आते, कुछ नहीं। अंग्रेजी में भी ऐसे ही है, सब में ऐसा ही है। उन शब्दों को बनाने की प्रक्रिया होती है ना, कभी जैसे कहेंगे कभी जो लड़की चाय बनाना नहीं जानती हो, पापड़ सेंकना नहीं जानती हो, हैं क्या उस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। ऐसे भी उनमें यहाँ भी कहानी किससे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं ना घर में, ये तो आनी चाहिए ना उसको। पहले जब जाते थे ना देखने के लिए तो उससे पापड़ सुखवाते थे। तो भी थोड़ा सा भाषा ज्ञान टोले मजी लगा इसमें चाहिए ना ये सब। अब ये भी शब्द जो है प्रत्येक क्रमण वो ऐसे ही बना है, क्रम धातु से बना है, क्रम से क्रमण फिर प्रतिक्रमण फिर अप्रतिक्रमण उपसर्ग लगकर प्रत्यय लगकर ये शब्द ऐसे ही हैं। अप्रतिक्रमण फिर प्रति उपसर्ग है और ये क्रमण शरण हरण ये धातुओं के धातु रूप हैं। तो किए गए दोषों का निराकरण करना मैंने पहले अपराध हो गया, अब उसे निराकरण करना मैंने गलती माफ़ी मांगकर और भविष्य में नहीं करने का संकल्प करना, उसका नाम हो गया प्रतिक्रमण। अब सम्यक्तादि गुणों में प्रेरणा करना या प्रवृत्त होना, उसका नाम हो गया प्रतिशरण। वो मिथ्यात्वादि को छोड़ा तो क्या करें, तो ये वो जो नेगेटिव बात थी ये पॉजिटिव बात आ गई, ये है प्रतिशरण। देखो अपने ये प्रतिक्रमण पाठ है ना, श्वेतांबरों में बहुत होते हैं, अपने दिगंबरों में तो रिवाज ही नहीं है, इन शब्दों से दिगंबर लोग परिचित ही नहीं है, हैं? अपने यहाँ तो अकेले वो आलोचना चलती है, तो वो यदि भूजादास जी लिख के नहीं गए होते तो हम वो शब्द से भी हम परिचित नहीं होते। लेकिन जो महिमा श्वेतांबरों के यहाँ प्रतिक्रमण की है, अब उन प्रतिक्रमण पाठों में क्या है जरा मैं समझना, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, अपन बना सकते हैं। मैं आपको विधि बताता हूँ अभी कि जितने दोष लगभग जनरल हम लोगों के जीवन में होते हैं सुबह से शाम तक सब में मिला के, हर एक में होते हों जरूरी नहीं है, कोई गलती हमसे होती, कोई गलती तुमसे होती, कोई गलती तुमसे होती, ऐसी कॉमन हमने कुछ गलतियाँ छाँटी और हमने वो प्रतिक्रमण पाठ में वो गलतियाँ लिख दी, उनके लिए हमने माफ़ी मांग ली कि भाई पानी छानेंगे जवानी महा डाल देंगे ये गलती ये होती है, झाड़ू लेंगे बुहारी लगाएंगे तो ये गलती ये होती है, ऐसी समझिए ना। ऐसी सुबह से शाम तक हर धंधों में लगा करके विलास भाई उनने निकाल के और वो प्रतिक्रमण पाठ बना दिया। अब वो कॉमन प्रतिक्रमण पाठ बन गया। अब मान लो जो उसमें लिखा है, अब वो गलती हमने की ही नहीं, झाड़ू ले जाऊंगा बुहारी हमने आज तक झाड़ू हाथ से छी ही नहीं, अब हम भी बोले जा रहे हैं झाड़ू ले जाऊंगा बुहारी तो सत्य है कि झूठ, हमने जल छाना ही नहीं तो जीवानी जमीन बटा ली, हम तो वैसे ही घटक जाते क्यों। ये तो वास्तव में प्रतिक्रमण नहीं है, मेरी सुनना, वास्तविक प्रतिक्रमण क्या है कि जो हम स्वयं अपने सुबह से शाम तक जीवन में देखें और उन गलतियों के लिए शाम को हम याद करके और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे ये संकल्प लें, असली प्रतिक्रमण ये है। तो हर एक का अलग अलग होगा, वो व्यक्तिगत क्रिया है,
ये तो ऐसे ही है कि हमको उसको होश ही नहीं है। हिंसा पुने झूठे जो चोरी पर बनिता सुद्रग जोरी। क्यों अब हम बोले जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता क्या है। अब कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई, उन्हें बहुत अकल आ गई ना, लिखे जी पर बनिता सुद्रग जोरी, तो दूसरे की औरत से आंख लड़ाना है। हमने कहा दूसरे की औरत से आंख लड़ाई, हम तो दूसरों के पुरुषों से लड़ाते हैं। क्यों तो हमने कहा बदल दो, पर बनता की जगह पर भरता कर दो। अरे भरता सुंदर, अरे ये तो कॉमन बातें हैं भाई साहब, समझिए ना, कुछ मतलब नहीं। वो पुरुष की प्रधानता से लिखा गया इसलिए भरता बनता लिख दिया, उसका तो मतलब विपरीत सेक्स वाले के प्रति हम आकर्षित हुए, तो इतनी सी बात है। अकेले आंखें जोड़ने से मतलब नहीं है कुछ। अब मेरा मतलब समझे कि नहीं समझे, लेकिन हम ऐसे सुधार करते हैं, असली सुधार तो करते नहीं है। यदि असली प्रतिक्रमण एक दिन भी हो जाए, 10 दिन भी हो जाए, तो हमारा जीवन इतना परम पवित्र हो जाएगा क्या, फिर द्वारा हमें प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इसमें तो बताएंगे कि काहे को इतनी लंबी लंबी बातें करते हो, 6-6 पेज के प्रतिक्रमण की क्या जरूरत है। पर तो एक ही तो गलती की राम जी भाई के शब्दों में, कौन सी गलती क्या अपने को नहीं जाना, ये गलती की बस अपने को जान लो, सारा प्रतिक्रमण हो गया है? क्या मन हर जगह ऐसी परंपरा चल गई। श्रीमद बहुत आध्यात्मिक पुरुष थे, पहले वो वैष्णव थे, फिर गुजरात में थे और वहाँ श्वेतांबर लोग ज्यादा थे, तो जैनियों में श्वेतांबरों के संपर्क में आए और बाद में उन्हें कुंद कुंद के समयसार वगैरह हाथ लगी, तो फिर श्वेतांबर बन गए, फिर वे दिगंबर बन गए और 30-32 वर्ष की उम्र में चल दिए। अब उनकी बहुत सी बातें हैं वैष्णव धर्म की भी हैं, उनके प्रारंभिक समय की। हम तो किसी भी महापुरुष को मानते तो जन्म से ही महापुरुष मान लेते हैं ना, कहानी बस ऐसा हुआ था जब पैदा हुए थे तो गाँव में कुत्ते भौंकने लगे थे क्या अब क्या क्या जोड़ देते हैं अपन उनकी साथ में, ऐसी घटनाएं कोई लेना देना नहीं है जिनसे। अब वे पहले वैष्णव थे, अब वे भी हमने जोड़ दी, फिर जो श्वेतांबर थे तब वे भी जोड़ दी, अब दिगंबर बने वे भी जोड़ दी, और सब कुछ मिलाकर श्रीमद हो गए। उन्होंने 2 प्रतिक्रमण बनाए, एक छोटा प्रतिक्रमण एक बड़ा प्रतिक्रमण, वो बोलते हैं ना, तो उन्होंने शुद्ध गुजराती में लिख दिए। यहाँ बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिन्हें वे दोनों ही प्रतिक्रमण याद होंगे और वो श्रीमद वाले सब कराते हैं। तो हम अध्यात्म स्टडी सर्कल में जाते हैं, बम्बई जाते हैं ना हर साल 30 साल से श्वेतांबर परिसर में प्रवचन करने, तो उसके बाद में वो दिनेश भाई जो उसके हैं चेयरमैन, वे प्रतिक्रमण बोलते हैं वो श्रीमद का। तो उसमें आता हूँ पापी छूँ हूँ दुष्ट छूँ हूँ, मैंने ऐसा किया मैंने ये पाप किया, मैंने ऐसा गद्य में है, वो पद्य में नहीं है, तो वो बोलते हैं।